हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि फिलहाल सीरियल जो है बड़ी ही शानदार वाइब दे रहा है और यहाँ पर बड़ी ही पॉजिटिव वाइब सीरियल से आ रही है। अब यहाँ पर हर एपिसोड के अंदर कुछ ना कुछ फनी मोमेंट्स हमारे लिए होते हैं और यही किसी एक टीवी सीरियल को जो है बहुत ही खास बना देते हैं। और यहाँ पर गुम है किसी के प्यार में कि फिलहाल की टीआरपी इसी पर टिकी है और इस बात से कोई भी अनजान नहीं है। वेल, आने वाले एपिसोड में जो है नेगेटिविटी का डोज लेकर एक किरदार वापसी करने वाला है कहानी के अंदर, और ये किरदार जो है सभी के ऊपर बड़ा हावी पड़ने वाला है। लेकिन वो ये किरदार भूल जाएगा कि अब सभी अकेली नहीं है, रजत ठक्कर उसका पति उसके साथ है। और एक्सपेक्टेड किसी को नहीं है ये चीजें कि रजत कभी इस जिंदगी में सभी का साथ देगा, पर आने वाले एपिसोड में अनएक्सपेक्टेड चीज होने वाली है, एकदम अनएक्सपेक्टेड होने वाली है, जब रजत यहां अपनी पत्नी को पत्नी मानते हुए, यानी कि सभी को पत्नी मानते हुए ये साबित कर देगा कि वो उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जितना सभी रजत को सभी को अपना मानती है ना, उतना ही रजत भी सभी को अपना मानने लगा। और सभी की फीलिंग्स भी अब चेंज होने वाली है धीरे धीरे। एंड नई शुरुआत वाला प्रीकैप तो आप लोगों को इतना मजेदार लग ही रहा है कि लगातार सवाल आ रहे उसको लेकर। अब देखो, आने वाले एपिसोड के अंदर जो है ये सारी गलतफहमी दूर होने वाली है। रजत जो है वो काफी ज्यादा सुनने वाला है सभी से कि आखिरकार उसने शांतनु को क्यों भड़काया। शांतनु जैसे प्रोफेसर भी जब बच्चों जैसी हरकतें करते हैं ना तो बड़े ही क्यूट लगते हैं, और इंद्रनील भट्टाचार्य की एक्टिंग के तो क्या ही कहने। और मानसी सालवी जो है ईशा मैम का किरदार निभा रही है, उनकी एक्टिंग भी नेक्स्ट लेवल है। और जब दो इन किरदारों को जो है सीरियल के मेकर्स ने कमान संभाली ना आज के एपिसोड की, तो एपिसोड ऑटोमेटिक नेक्स्ट लेवल चले गया। तो यहां पर आने वाले एपिसोड में दोनों समझदार लोग जो है संधि करते हुए नजर आएंगे, और यहां पर पूरी तरीके से डिसाइड होने वाला है कि आज रात को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं एनिवर्सरी को। और रजत ने जो किया है ना उसको आप लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमें पता है आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, एंड दोनों प्रोफेसर है बहुत समझदार है, आपस में समझ जाएंगे, सुलह हो जाएगी। अब यहां पर रात को माहौल होने वाला है सारी पार्टीज वगैरह का, और यहां पर एनिवर्सरी पर भोसले परिवार से लेकर हरिणी का परिवार भी इनवाइटेड है। और यहां पर हरिणी के परिवार में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो कि कहानी में नेगेटिविटी को काफी बढ़ा देता है। अब यहां पर वो किरदार कोई और नहीं है, यहां पर वो किरदार है हरिणी के सासू मां का। और यहां पर जब हरिणी के सास यहां पर आते हुए आपको नजर आएगी कहानी में, तो यहां पर कुछ ना कुछ ताने टोंट तो फेंकते हुए वो नजर आएगी। लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फिलहाल कहानी में पॉजिटिव कैरेक्टर्स इतने ज्यादा हैं कि नेगेटिव कैरेक्टर उनके सामने भला क्या ही कर पाएगा। अब यहां पर जब सभी इतना पार्टी में एंजॉय करने वाली है, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में सभी हमेशा अपनी हेल्थ को जो है सेक्रीफाइस कर देती है, चाहे वो किसी की भी खुशियों में शामिल क्यों ना हो, सभी खुद को भूलकर उनकी खुशियों में लग जाती है। और इस बार भी सभी के साथ ऐसा ही, सभी की तबीयत थोड़ी सी खराब होने वाली है, और रजत जो है कहेगा कि सभी तुम्हें मेडिसिन लेनी चाहिए, मेरे लिए नहीं सही के लिए ले लो, क्योंकि उसका ध्यान रखना है तुम्हें, उसकी आई हो ना तुम। तो यहां पर सभी को जो है रजत जबरदस्ती मेडिसिन देते हुए नजर आएगा। अब यहां पर उस मेडिसिन के अंदर जो है अल्कोहल की मात्रा काफी ज्यादा होने वाली है, तो यहां पर हमारी सभी आ जाएगी नशे में। अब यहां ये पार्टी की बात का सीन नहीं है, पार्टी का ही सीन है। और यहां पर सभी नशे में जब होने वाली है तो पार्टी के बीच में पहुंचेगी, क्योंकि उसके आई बाबा की एनिवर्सरी, सभी के बिना भला कैसे सेलिब्रेट हो सकती है। अब यहां पर जब सभी अजीब सी हरकतें करेंगे तो सभी लोग देखेंगे भैया ये हो क्या रहा है, आखिरकार ये सभी ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। यहां पर पता चलने वाला है कि ये तो नशे में है। और यहां पर हरिणी की सासू जो है वो ताने भर भर कर मारने वाली है कि देखो शादी के महीना हुआ नहीं है, यहां पर इसके तो रंग रूप बदल गए हैं, अमीर परिवार में क्या चली गई है, इसने तो नशे करने शुरू कर दिए हैं। वाह सभी वाह, ईशा तुमने तो बड़ी अच्छी जगह पर शादी करी अपनी बच्ची की। तो यहां पर पूरी तरीके से वो ताने मारते हुए नजर आएगी सभी को, और यहां पर काफी सारे लोग जो है यहां पर सभी को ब्लेम करने वाले हैं कि आखिरकार सभी ने ऐसा क्यों किया। अब यहां पर वैसे तो हमेशा ही सभी के जो ससुर हैं यानी कि राजेंद्र ठक्कर है, वो हमेशा ही जो है सभी का साथ देते हैं, पर वो लेडीज को क्या बोले, सामने जो हरिणी की सासू खड़ी है उनको भला क्या बोले, रिश्तों की मर्यादा भी बीच में आ जाती है। लेकिन यहां पर एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज होने वाली है, वो ये है कि रजत के सब्र का बांध टूटने वाला है, और रजत कहेगा कि अपनी हद में रहिए आप,
और सभी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, सभी ने जो है वो दवाई ली थी और उसके अंदर मिक्स होकर सारी चीजें हुई है। ये भूल जाइए कि आप सभी को कुछ कर पाएंगे, क्योंकि सभी का नाम मेरे साथ जुड़ा है और सभी को आप कुछ नहीं कह सकती हैं। यहां पर जब रजत स्टैंड लेते हुए नजर आएगा सभी के लिए, तो यहां पर ईशा मैम और शांतनु की वेडिंग एनिवर्सरी जो है वो असल मायने में सक्सेसफुल हो जाने वाली है, क्योंकि उनको ये पता चल जाएगा कि सभी और जिंदगी में अकेली नहीं है। रजत भले ही यहां पर कड़वे वचन क्यों ना बोलता हो, लेकिन दिल से वो सभी को अपना मानने लगा है। अब यहां पर ये तो होने वाली है एनिवर्सरी की रात, लेकिन उसके बाद जो सुबह होगी ना भैया, वो बड़ी धमाकेदार है। और बहुत लोग जो है लगातार मुझसे बोल रहे थे कि भैया ये मराठी तमाचे वाला क्या सीन है, आप हर वीडियो में बोलते हो, तो भाई नॉर्मल थप्पड़ कोई, मैं मराठी तमाचा बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मराठी है और यहाँ पर रजत जो है वो गुजराती है, वैसे तो है हिंदुस्तानी, सभी की बाजुओं में बराबर दम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सभी मराठी है तो उसे मराठी तमाचा बोल दिया। तो यहाँ पर जब तमाचा सभी मारने वाली है रजत को, तो रजत को समझ में आ जाएगा कि भैया गलती हो गई थी, सभी को नशे की चीज गलती से ही दे दी, लेकिन क्यों दे दी। तो यहाँ पर दोनों के बीच में बढ़िया फाइट होते हुए आपको नजर आएगी। देन इसके बाद जो है एक वॉशरूम वाला सीन है, जहां पर रजत नहाने जाएगा, पानी खत्म वगैरह वगैरह बहुत सारे सीन है, और सीरियल के मेकर्स कहां से उठा रहे हैं सीन आपको पता है, अच्छी तरीके से बताने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि इसके बाद सभी को भी यार गिल्ट होने वाला है कि मैंने रजत के ऊपर हाथ क्यों उठा दिया, उन्हें इतना खड़ी खोटी क्यों सुना दी, और उसके बाद वो भी परेशान होने वाली है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कितना एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड के लिए, कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम आपको नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं मिलूंगा आप सभी को अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।